बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। लोन लेकर के जो भागे, यानी बैंक जिससे नुकसान में आ गए, घाटे में आ गए, कई बैंकें बंद हो गई, आज उसको कोई नहीं ढूंढ रहा। ढूंढा किसको जाता है? कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, टीएमसी के लोगों को, चाहे ठाकरे जी के लोगों को, चाहे जो भी समाजवादी पार्टी के लोग हों, इन लोगों का देखो भैया दो तरीका है। जो खरीदो, ये पहली सोच। दूसरा सोच कि जो डरेगा उसको डराओ। यही दो सोच से भाजपा काम कर रही है। और अफसोस है, तरस है, आता है हमको उस जांच एजेंसियों पे कि आज एक गुलाम के रूप में लोग काम कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जो जांच अधिकारी इन सारी चीजों में लिप्त हैं, जो विपक्षी नेताओं के यहाँ झूठा मुकदमा करके फंसाने का काम करते हैं, उनका प्रमोशन तुरंत हो जाता है। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जो जो आरोप कहीं भी रहा हो उसका प्रमोशन तात्कालिक हुआ है, उसको इनाम मिला है। चिंता इस बात की करनी चाहिए कि जो लोग कहते थे कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार मिटेगा, आतंकवादी घटनाएं घटेंगी, आज उनके शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा है, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है और आतंकवादी घटनाएं बिहार जैसी धरती पर जो है लोग पकड़ा, जांच में नाम में शामिल, जांचों में आ रहा। तो ये कहीं ना कहीं से जो लोग दावा करते थे, आप बताओ 25-25 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए नगद बरामद हो रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि इनका झूठा वादा था कि नहीं था डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का। ये बीजेपी के लोग देश को नहीं चला रहे, ये देश को आगे नहीं बढ़ा रहे, ये आरएसएस के एजेंडे पर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जो कि और देश में जो जहर जो बोया जा रहा है, यानी असल मुद्दे पे चर्चा ना हो, आज बेरोजगारी पे बात ना हो, आज महंगाई पे बात ना हो, किसान पे बात ना हो, नौजवान पे बात ना हो, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात ना हो। आप जैसे जो पत्रकार हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आज दिन रात मेहनत करके यहाँ हैं, कितना कमा लेते हैं? 15,000? कितना खर्च होता है? कितना खर्चा? कुछ नहीं बचता आप लोगों के पास। जब आप लोग जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उसकी स्थिति ये हालत है महंगाई में, तो जो जमीनी स्तर पे जो गरीब गुरबा है, आप कल्पना कीजिए कि उसकी क्या स्थिति होगी, उसका घर कैसे चलता होगा। तो घर में बीमार पड़ जाए तो इलाज, तो इसलिए 7 तारीख को हम लोगों का पूर्व में ही निर्धारित कार्यक्रम रहा है महागठबंधन का। बेरोजगारी, महंगाई, सुखार, बाढ़, भ्रष्टाचार, इन सभी जो रियल मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, इसको लेकर के हम लोग मजबूती के साथ, जो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, इसको लेकर के हम लोग उठाएंगे। और ये अति हो चुका है ना, देश में जो माहौल बनाया जा रहा है ये अति है। और हम लोग उम्मीद भी क्या कर सकते हैं इन लोगों से, तो यही उम्मीद की जा सकती है। अब कोई मतलब कि ठीक है, पॉलिटिकल वेंडेटा तो है ही है, लेकिन जब अटल जी अडवाणी जी होते तो एक शिष्टाचार भी होता था, भले विपक्ष विपक्ष होता था, उस समय भी सत्ता सत्ता होती थी, लेकिन इस तरह से
किसी को अपना दुश्मन बना करके टारगेट नहीं किया जाता। आज या तो आप गुलाम बनिए या तो आप लड़ करके मरिए। कुछ लोग डरने वाले डरते हैं, बिकने वाले लोग बिकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का हर एक एक सिपाही इनके डराने से और इनके खरीदने से बिकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। हम लोग लड़ना पसंद करेंगे, लड़ के मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपनी जो विचारधारा है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता और ये जो देश बनाना चाहते हैं, जो गुलाम बनाना चाहते हैं, वो हम लोग बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और जनता का साथ मिलेगा। और अकेले हवा निकल ना गया था इन लोगों का।